हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे ब्रीथ साउंड के बारे में, जो कि दो टाइप में कैटेगराइज होती है, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, स्ट्राइडोर, व्हीजिंग, क्रैकल, रेल साउंड कौन सी होती है, प्लूरल फ्रिक्शन रब कौन सी होती है, व्हूपिंग साउंड कौन सी होती है, और लंग्स में किस लोकेशन पे एबनॉर्मलिटी की वजह से अराइज होती है। इन सभी पॉइंट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज है और प्लेलिस्ट है, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे, आप लोग चाहे तो चेक कर लेना। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ब्रीथ साउंड के बारे में, जिन्हें कैटेगराइज किया जाता है दो पार्ट में, नॉर्मल ब्रीथ साउंड और एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड, जो कि कैटेगराइज होती है नॉर्मल वाली ब्रोंकियल, ब्रोंकोवेसिकुलर और वेसिकुलर, एबनॉर्मल वाली स्ट्राइडोर, इसी का एक पार्ट होता है क्रूप साउंड, व्हीजिंग साउंड जिसमें दो आते हैं सिबिलेंट और रोंकी, क्रैकल साउंड जिसमें तीन टाइप आते हैं, फाइन क्रैकल, कोर्स क्रैकल और ट्रेकियल क्रैकल, और प्लूरल फ्रिक्शन रब जो कि प्लूरल कैविटी में इन्फ्लामेशन की वजह से होती है, व्हूपिंग जो कि पर्टुसिस का एक साइन होता है। ठीक है, तो इन सभी साउंड को हम लोग डिटेल से आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं, क्योंकि इनको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए। ऑलरेडी हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ चुके हैं, तो लैरिंग्स हो गया, ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद में ब्रोंकस हो गए, ब्रोंकस के बाद में ये ब्रोंकियल ट्री हो गया, ब्रोंकियल ट्री जो है लास्ट में एंड होता है एल्वियोलाई के लेवल पे, और ये लंग्स होते हैं राइट लंग और लेफ्ट लंग। राइट लंग में तीन लोब्स होते हैं और लेफ्ट का अंदर होते हैं दो लोब्स होते हैं। ठीक है, और इनके सराउंडिंग में एक कैविटी होती है जिसे प्लूरल कैविटी बोलते हैं, जिसके अंदर क्या भरा रहता है, प्लूरल फ्लूड भरा रहता है, जिसका अमाउंट 5 से 15 ml होता है। ये सारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, बट आज क्या पढ़ेंगे, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। पहला पॉइंट कि नॉर्मल साउंड क्या होती है और एबनॉर्मल साउंड क्या होती है, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। अगर लंग्स के इस पूरे एयरवे के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई नैरोइंग, कोई स्पाज्म नहीं है, तो जो साउंड सुनाई देगी दीज आर नॉर्मल साउंड। और अगर इस एयरवे ट्रैक्ट के अंदर कहीं भी अगर कोई सिक्रीशन है, म्यूकस इकट्ठा हो जाए, नैरोइंग हो जाए, एल्वियोलाई के अंदर फ्लूड बिल्डअप हो जाए, उस कंडीशन के अंदर जो साउंड अराइज होगी वो कैसी साउंड होगी, एबनॉर्मल साउंड होगी। और इन सभी साउंड्स को हम लोग सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप से। इससे सुन सकते हैं स्टेथोस्कोपी के द्वारा, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑस्कल्टेशन। इसके द्वारा सुन सकते हैं हम लोग, ऑस्कल्टेशन के द्वारा सुन सकते हैं, जिसको एंटीरियर साइड के अंदर इस साइड से अपन स्टार्ट करते हैं, अपने राइट साइड से स्टार्ट करते हुए लेफ्ट साइड, राइट साइड में इस तरीके से सुनते हैं, और बैक साइड में भी यही सिक्वेंस रहता है। तो इस तरीके से साउंड सुनाई देती है ऑस्कल्टेशन के द्वारा। तो वन बाय वन हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल ब्रीथ साउंड, जो कि कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की होती है, जो कि हमने यहाँ पर कैटेगराइज किया। फर्स्ट इज ब्रोंकियल साउंड, सेकेंड इज ब्रोंको वेसिकुलर साउंड एंड थर्ड इज वेसिकुलर साउंड। तो सबसे पहले हम इनके लोकेशन देखते हैं कि किस लोकेशन पे ये सबसे पहले सुनाई देती है। तो यहाँ पर अपर रेस्पिरेटरी से लोअर रेस्पिरेटरी की तरफ मूव करेंगे, उसी तरीके से सुनाई देती है। तो ब्रोंकियल साउंड है वो कहाँ सुनाई देगी हमें, ट्रेकिया, लैरिंग्स और ब्रोंकस के लेवल पे, यानी इस लेवल पे और इस लेवल पे सुनाई देगी। ठीक है, दूसरी होती है ब्रोंको वेसिकुलर, तो ब्रोंको वेसिकुलर सुनाई देगी हमें। इससे और डीप जाएंगे हम तो बात करें तो ये चीज क्या होती है, ब्रोंकियल ट्री। तो ब्रोंकियल ट्री के लेवल पे कौन सी सुनाई देती है, ब्रोंको वेसिकुलर साउंड। और थर्ड होती है वेसिकुलर, वेसिकुलर का मतलब होता है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के लेवल पे जो साउंड सुनाई देगा वो कौन सा होगा, वेसिकुलर साउंड सुनाई देगा। ठीक है, अब क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं तीनों के, सबसे पहले बात करें तो ब्रोंकियल साउंड जो कि बड़ी पाइप्स में होता है इसलिए कैसा होगा, लाउड होगा। ठीक है, और हाई पिच होगा। ठीक है, इसकी पिच कैसी होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी। जबकि ब्रोंको वेसिकुलर पतली पाइप्स में है तो इसकी कैसे होगा, ब्रीजी, यानी एक साउंड जब एयर मूव करती है तो उसे हम लोग बोलते हैं ब्रीजी साउंड, और उसकी पिच कैसी होगी, इससे कम होगी यानी मॉडरेट होगी। और ब्रोंको वेसिकुलर जो साउंड है वो एल्वियोलाई की लेवल पे आती है तो वो और भी क्वाइट शांत होगी, कम उसकी इंटेंसिटी होगी, यानी वो कैसी होगी, लो पिच साउंड होगी। तो इस तरीके से इन तीनों को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कब सुनाई देती है, सांस लेते टाइम या सांस छोड़ते टाइम। तो ये तीनों ही साउंड जो है सांस लेते टाइम भी और सांस छोड़ते टाइम, यानी इंस्पिरेशन के टाइम पे भी और एक्सपिरेशन के टाइम पे भी सुनाई देती है। बट इनकी फेज कैसी होती है, फर्स्ट यानी कि बड़ी पाइप्स में जो साउंड होती है दैट इज ब्रोंकियल साउंड, उसके अंदर एक्सपिरेटरी फेज जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, एक्सपिरेशन पे ज्यादा सुनाई देती है, इंस्पिरेशन पे कम सुनाई देती है। तो इंस्पिरेशन इज लेस देन एक्सपिरेशन। जबकि जो पतली पाइप्स होती है ब्रोंकियल ट्री के ऊपर होती है वो वाली जो है ब्रोंको वेसिकुलर होती है, और उसमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का फेज क्या होता है, बराबर होता है। और थर्ड वाली जो होगी वेसिकुलर एल्वियोलाई के लेवल की है, उसमें इंस्पिरेटरी फेज क्या होती है,
ज्यादा होती है एक्सपिरेटरी फेज की तुलना। फेज तो उतनी ही होती है बट सुनाई जो है ये ज्यादा देती है इंस्पिरेशन के टाइम पे, और एक्सपिरेशन के टाइम पे कम सुनाई जाती है। तो ये तीनों होती है अपनी नॉर्मल ब्रीथ साउंड्स। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड्स के बारे में, जो कि टोटल 5 टाइप की होती है, स्ट्राइडोर, वीजिंग, क्रैकल, प्लूरल फ्रिक्शन रब और वूपिंग या गैप साउंड। तो पहले हम तीन को पढ़ते हैं, स्ट्राइडोर, वीजिंग साउंड और क्रैकलिंग साउंड को। तो क्या होती है तीनों साउंड, जैसा कि मैंने बताया नॉर्मल साउंड अभी पड़ी थी, अगर उन्हीं लोकेशंस पे अगर वहां पर कोई सिक्रीशन या ट्यूमर या ट्यूब नैरो हो जाए, पूरा एयरवे कहीं भी नैरो हो जाए, कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए, तो ये साउंड्स प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे पहली नॉर्मल साउंड थी ब्रोंकियल, अगर ब्रोंकियल साउंड कहाँ आती है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक लार्ज एयरवेज में आती है, अगर इस जगह पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो कौन सी साउंड आएगी, स्ट्राइडोर। दूसरी थी ब्रोंकोवेसिकुलर, जो कि ब्रोंकियल ट्री पे सुनाई देती थी, अगर इस जगह पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो वहां पर वीजिंग साउंड सुनाई देगी। और तीसरी जो साउंड थी वेसिकुलर, वो एल्वियोलाई के लेवल पे थी, और एल्वियोलाई के लेवल पे अगर कोई फ्लूड एक्यूमुलेशन या एडिमा डेवलप हो जाए तो जो साउंड सुनाई देगी वो होगी क्रैकल साउंड। तो नॉर्मल से ही एबनॉर्मल में ये कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या करेक्टर होते हैं इन तीनों के, देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करें स्ट्राइडोर, वीजिंग और क्रैकल की लोकेशन की बात करें, तो जैसा कि मैंने बताया स्ट्राइडोर जो है लार्ज एयरवे जैसे लैरिंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाई के लेवल पे सुनाई देती है, अगर वहां पे कोई सिक्रीशन या कोई फॉरेन बॉडी या एडिमा डेवलप हो जाए तो उस टाइम पे जो साउंड सुनाई देगी वो क्या कहलाती है, स्ट्राइडोर साउंड कहलाती है। दूसरा वीजिंग साउंड कहाँ सुनाई देती है, ब्रोंकियल ट्री, ब्रोंकियल ट्री के ऊपर अगर किसी तरीके का नैरोविंग, स्वेलिंग, अस्थमा के अंदर भी नैरोविंग हो जाता है, स्पाज्म हो जाता है, सीओपीडी में भी म्यूकस डिपोजिशन हो जाता है, तो अगर ब्रोंकाइटिस है उस केस में अगर हो जाता है तो वहां पर जो साउंड सुनाई देगी वो कौन सी होगी, वीजिंग साउंड सुनाई देगी। थर्ड होती है क्रैकल साउंड, जो कि एल्वियोलाई लेवल पे अगर किसी तरीके का फ्लूड इकट्ठा हो जाए, फ्लूड एक्यूमुलेशन हो जाए, जैसा न्यूमोनिया, पल्मोनरी एडिमा और ट्यूबरकुलोसिस के केस में होता है, तो इन केसेस में जो साउंड सुनाई देगी वो कौन सी होगी, क्रैकल या रेल, इसे रेल साउंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये तीनों की लोकेशन की बात करें। अब कब सुनाई देती है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। तो सबसे पहले बात करें स्ट्राइडोर, तो स्ट्राइडोर जब पर्सन ब्रीथ इन करता है, इंस्पिरेट करता है, उस टाइम पे सुनाई देती है। वीजिंग जो है वो एक्सपिरेशन के टाइम पे सुनाई देता है, जब पर्सन सांस छोड़ता है उस टाइम पे सुनाई देती है। और क्रैकलिंग साउंड जो है वो भी सेम स्ट्राइडोर की तरह कब सुनाई देते हैं, इंस्पिरेटरी फेज यानी जब पर्सन ब्रीथ करता है उस टाइम पे सुनाई देती है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर एक पर्सन का असेसमेंट करें और क्रैकलिंग साउंड सुनना है तो वहां पर कैसे सुनेंगे, पर्सन को क्या चीज करने के लिए बोलेंगे, पर्सन को डीप इंस्पिरेशन करने के लिए कहेंगे ताकि वो साउंड हमें सुनाई दे। अब कैसी होती है साउंड, सबसे पहले बात करें तो स्ट्राइडोर साउंड वो लाउड, हॉर्स और हाई पिच्ड होती है। लाउड होती है सुनने में और हार्स होती है यानी खरखराहट वाली होती है, ठीक है, और हाई पिच होती है। वीजिंग साउंड जो वो कैसी होती है, म्यूजिकल या फिर विस्लिंग या फिर ब्रीजी साउंड होती है, एक म्यूजिक की तरह वो वहां पर सुनाई देती है, ठीक है, विस्लिंग साउंड वहां पर सुनाई देती है। तीसरी होती है क्रैकल साउंड या रेल साउंड, जो कि कैसी होती है, बबलिंग साउंड होती है, क्योंकि एल्वियोलाई में फ्लूड इकट्ठा होगा तो बबलिंग साउंड वहां पर सुनाई देती है। ये हो गए इनके करेक्टर। अब आगे बात करते हैं कुछ और फीचर्स के बारे में। तो स्ट्राइडोर साउंड जो होती है उसी से रिलेटेड एक और क्रूप साउंड, ठीक है, तो जो कि चाइल्ड्स में देखने को मिलती है, किसमें मिलती है, बच्चों के अंदर। अब क्रूप से रिलेटेड तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अक्सर, वो हमें पता होना चाहिए। तो क्रूप साउंड क्या होती है, इंस्पिरेटरी स्ट्राइडोर के नाम से भी इसे जाना जाता है, पहला पॉइंट, ठीक है, क्योंकि स्ट्राइडोर इंस्पिरेशन के टाइम पे ही होता है, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है, इंस्पिरेटरी स्ट्राइडोर, यानी बच्चा जब सांस लेगा तब ये सुनाई देती है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रूप के अंदर क्या होता है, ट्रेकियो लेरिंगो ब्रोंकाइटिस, ठीक है, तीनों का इन्फ्लामेशन एक साथ डेवलप हो जाता है, तो जो साउंड सुनाई देगी वो कैसी होती है, क्रूप साउंड होती है, यानी लेरिंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंकस तीनों में अगर एक साथ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हो जाए तो जो साउंड सुनाई देगी वो कौन सी होती है, क्रूप साउंड। तो तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बच्चों में नाइट टाइम पे इसके जो सिम्टम्स है वो क्या हो जाते हैं, वर्स हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कफिंग होती है, विग्रस कफिंग आती है। दूसरा पॉइंट होता है कि इसमें हाई टेम्परेचर, फीवर हो जाता है। तो ये जो सिम्टम है, स्वेटिंग आता है, ये सिम्टम्स कब होंगे, नाइट में बच्चे में ज्यादा होंगे, जबकि डे टाइम में थोड़ा सा उनमें इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो ये तीनों फीचर हमें याद रखने हैं, वो किससे रिलेटेड है, क्रूप साउंड, और क्रूप किसका एग्जाम्पल है, स्ट्राइडोर का, इसे हम लोग इंस्पिरेटरी स्ट्राइडोर भी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट आता है वीजिंग साउंड से रिलेटेड। तो वीजिंग साउंड है वो मेनली दो टाइप की होती है, सिबिलेंट और दूसरी होती है रोंकी, ठीक है, दोनों क्या होती है, अगर सिबिलेंट की बात करें तो कैसी होती है, डीप और हाई पिच्ड होती है, जबकि रोंकी होती है वो डीप और लो पिच साउंड सुनाई देती है, ठीक है। सिबिलेंट जो है वो
अपन बात करें फाइन ट्यूब्स जो होती है, जो ब्रोंकियल ट्री की जो पतली ट्यूब्स होती है उनमें सुनाई देती है, जबकि रोंकी जो है ब्रोंकियल ट्री की जो लार्ज ट्यूब्स होती है उनके अंदर सुनाई देती है। यानी ब्रोंकियल ट्री के शुरुआती पार्ट में अगर साउंड हो रही है तो वो कौन सी होगी? रोंकी होगी, चूंकि कैसी है वो? लो पिच है। और एंड पार्ट में जो सुनाई देगी ब्रोंकियल ट्री की, यानी टर्सरी ब्रोंकियोल में सुनाई देगी, वो कौन सी होती है? सिबिलेंट होती है। इसी वजह से हाई पिच्ड होती है। क्यों? क्योंकि जब पतली नली होगी यहाँ पर, इसकी जो पाइप होगी वो कैसी होगी? ज्यादा बड़ी होगी इसकी तुलना में। तो पतली पाइप में जो साउंड है वो कैसा आता है? हाई पिच आता है, जबकि बड़ी पाइप में जो साउंड आएगा वो कैसा आएगा? लो पिच सुनाई देता है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि बांसुरी और एक बैंड जो होता है उससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि सिबिलेंट जो है वो पतली पाइप्स में होता है ऑब्स्ट्रक्शन, इस वजह से आती है तो कैसी होगी? हाई पिच। जबकि रोंकी है वो मोटी पाइप्स में होता है, इसलिए लो पिच। दोनों ही कहां पर होगी? ब्रोंकियल ट्री के लेवल पे जो है सुनाई देती है। ठीक है, ब्रोंकियल ट्री में कोई भी नर्वोविंग स्वेलिंग या अस्थमा या सीओपीडी की वजह से स्पाज्म आ जाए उस केस में ये सुनाई देती है। अब सबसे लास्ट बात करते हैं क्रैकल साउंड या रेल साउंड क्या होती है। तो क्रैकल साउंड बबलिंग साउंड होता है जो कि एल्वियोलाई के लेवल पे होता है, एल्वियोलाई में कोई भी फ्लूइड बिल्डअप या निमोनिया या पल्मोनरी एडिमा हो जाए तो ये सुनाई देती है। अब ये भी तीन टाइप का होता है, फाइन क्रैकल, कोर्स क्रैकल और ट्रेकियल क्रैकल के नाम से जाना जाता है। एल्वियोलाई के लेवल पे ये फर्स्ट दो होती है, ए और बी पार्ट, फाइन क्रैकल और कोर्स क्रैकल। तो फाइन क्रैकल जो होती है वो हाई पिच होती है, कोर्स क्रैकल होती है वो लो पिच साउंड सुनाई देती है, जबकि ट्रेकियल क्रैकल होती है वो एक्चुअली क्रैकल साउंड नहीं है, ट्रेकिया के लेवल पे सुनाई देती है। ट्रेकिया में कोई सिक्रेशन जमा हो जाता है तो उस लेवल पे ये सुनाई देती है। बहुत ज्यादा अगर सिक्रेशन वहां पे जमा हो जाता है तो वहां पर एक बबलिंग साउंड सुनाई देने लग जाती है, जिसे ट्रेकियल क्रैकल बोलते हैं और इसे डेथ रेटल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डेथ रेटल के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये होती है तीनों साउंड, स्ट्राइडोर, व्हीजिंग और क्रैकल साउंड। एक पॉइंट और रह गया, क्रूप साउंड से रिलेटेड है कि क्रूप साउंड कैसी सुनाई देती है। ठीक है, जैसे कि हम सभी को पढ़ चुके हैं तो क्रूप साउंड कैसी सुनाई देती है, जैसे जो सील मछली होती है उस वो जब चीखती है उसके जैसी आवाज आती है, बच्चा जब क्या करता है सांस अंदर लेता है तो उस टाइप की आवाज जो है उस बच्चे के ब्रीथ से सुनाई देती है। ठीक है, तो इसे सील साउंड के नाम से भी पहचाना जाता है। तो क्रूप साउंड किसके जैसी सुनाई देती है? सील जो फिश होती है, मछली होती है, उसके जैसी ये सुनाई देती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लूरल फ्रिक्शन रब और वूपिंग या गैस्प साउंड क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लूरल फ्रिक्शन रब क्या होती है। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, प्लूरल कैविटी के अंदर अगर किसी तरीके का फ्रिक्शन या रबिंग होती है तो जो साउंड सुनाई देगा वो क्या कहलाता है? प्लूरल फ्रिक्शन रब कहलाता है। तो ये जो साउंड है वो बोथ इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी दोनों ही फेज में सुनाई देता है। अभी तक हमने जो साउंड पढ़े वो या तो इंस्पिरेशन में था या एक्सपिरेशन, दोनों ही टाइम पे साउंड जो है स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करेंगे तो सुनाई देगा। दूसरा, ये लो पिच होता है और हार्श साउंड होता है। और तीसरा, जो लेदर को जैसे आपस में रब किया जाता है उस तरीके का ये साउंड सुनाई देता है। क्या कारण होते हैं इसके? तो जैसा कि मैंने बताया, प्लूरल कैविटी में कोई इन्फ्लामेशन हो जाए या एडिमा डेवलप हो जाए या पस फॉर्मेशन हो जाए, जैसे प्लूरिसी मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लूरल कैविटी, एम्पाइमा मतलब पस फॉर्मेशन इन द प्लूरल कैविटी, इनको मैंने डिटेल जो डिजीजेज पढ़ाई है उनमें डिस्कस किया है, तो आप वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। पांचवा और सबसे लास्ट साउंड होता है वूपिंग या गैस्पिंग साउंड। तो ये पर्टिकुलर एक साउंड होता है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ऑल ओवर सुनाई देता है, मेनली जो है ब्रोंकियल ट्री के लेवल पे सुनाई देता है, उसे हम लोग वूपिंग साउंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो साउंड है गैस्पिंग साउंड या वूपिंग साउंड है वो क्या होता है? हाई पिच साउंड होता है और पर्टुसिस या वूपिंग कफ एक डिजीज होती है जिसका करेक्टरिस्टिक साइन होता है। तो वूपिंग कफ किसका करेक्टरिस्टिक साइन होता है? पर्टुसिस का, जिसे 100-day कफ के नाम से भी जाना जाता है। और इसका पॉजिटिव एजेंट होता है बोर्डेटेला पर्टुसिस, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। जिस भी बैक्टीरिया के नाम में एला वर्ड आता है वो सभी क्या होते हैं? ग्राम नेगेटिव होते हैं। जैसे बोर्डेटेला हो गया, साल्मोनेला हो गया, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिनके नाम में एला वर्ड आता है, तो वो सभी ग्राम नेगेटिव होते हैं। ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसमें ट्रिक से समझाया है कि कौन सा बैक्टीरिया पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव, तो वो वीडियो भी आप लोग देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो ये साउंड होता है वूपिंग या गैस्पिंग साउंड, जो कि हाई पिच होता है। पर्सन जब कफिंग करता है तो वूप की तरह एक साउंड सुनाई देता है। ठीक है, वूप साउंड होता है। जैसे कई बार हम लोग वॉश बेसिन में पानी डालते हैं एक साथ, तो जो लास्ट में जो साउंड आता है दैट इज वूप साउंड। एंड कई बार इसे कुकर खांसी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये साउंड करेक्टरिस्टिक साइन होता है किसका? पर्टुसिस डिजीज का। तो ये सभी साउंड होते हैं एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छे से समझा तो इसका आंसर आप लोग अच्छे से दे पाएंगे, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर दे देना। क्वेश्चन है कि ऑन ऑस्कल्टेशन, एक पेशेंट का ऑस्कल्टेशन किया है जो कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है उसको, और उसमें जो है आपको हाई पिच्ड हार्श साउंड जो है सुनाई देती है,
ओनली ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, केवल इंस्पिरेशन के टाइम। तो इसमें से वो कौन से साउंड हो सकती है, दैट इज स्ट्राइडोर, वेसिकुलर, रेल और रोंकी। तो अगर लेक्चर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इसका आंसर दे पाएंगे, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर जरूर दे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।